आप लोग? आज हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। एक रेस्टोरेंट है बॉम्बे ब्लूज करके, वहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं। और नाइट का टाइम है तो लाइटिंग वगैरह है यहाँ पे अच्छी। हर जगह है ना कैंडल जैसा रख रखा है, कहीं पे भी वैसे डेकोरेशन की छोटी छोटी लाइटें हैं जैसे अपने दिवाली की होती वैसे, पर बाकी सब दूर है ना। ये मेरे जवाई बैठे हैं, बाकी सब दूर है ना, वो वैसे छोटी छोटी वो रखे हुई है लालटेन जैसी होती है ना, वैसी बैटरी से चलती है वैसी उन्होंने वो रखी हुई है। हर टेबल पे ऐसे आपको लालटेन जैसी मिलेगी। ये देखो सब टेबल पे आपको लाइटिंग जैसी चमकी हुई मिलेगी। खाली ऊपर ऊपर है ना सीलिंग पे, वहाँ पे आपको ऐसे मतलब पीओपी की जैसे टाइप की लाइटिंग मिलेगी रंग बिरंगी। बाकी तो सब टेबल पे जहाँ पे भी खाने की टेबल थी वहाँ पे तो लैंप टाइप जो सेल से की बैटरी से चलता है उस तरह की लालटेने टाइप भी पड़ी थी। और यहाँ से सिटी का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, बैंकॉक सिटी का। बहुत लाइटिंग की लाइटिंग जैसी दिख रही थी। और ये 29th फ्लोर पे था, 29th फ्लोर पे था ये, तो हाइट से क्या है सब बैंकॉक सिटी पूरी लाइटिंग वाली जैसी लग रही थी, एकदम सुंदर लग रही थी। ये देखो मेरी बेटियाँ बैठी है इधर, सोफे जैसे थे प्रिंटेड, और ये देखो लालटेन टाइप की रखी हुई है और सोफे रखे हुए थे अपने इंडियन टाइप के प्रिंट के सोफे थे। मेरी दोनों बेटियाँ भी अब वीडियो उतार रही हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रही हैं। इसके पापा आराम कर रहे हैं आराम से, तो मैं तो घूम घूम के सब तरफ से चारों तरफ से वीडियो उतार रही थी। मेरी बेटी ने देखा था ऑनलाइन कि भाई बॉम्बे ब्लूज में खाना अच्छा मिलता है ना, इंडियन रेस्टोरेंट है इस टाइप से, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे विजिट करने आए। ये मैं हूँ देखो घूम घूम के बता रही हूँ, मेरे पीछे का भी नज़ारा दिख रहा है ना बैंकॉक सिटी का। फिर थोड़ा धीमा धीमा म्यूजिक भी बज रहा था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या मंगाए। फिर हमारा खाना भी आ गया, खाना जो कि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, भाव भी ज़्यादा थे, उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसा इंडियन खाना होता है, इसलिए खाना हमको इतना पसंद नहीं आया। परंतु एक बार विजिट कर लिया कि देखते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बताऊं कि ये बॉम्बे ब्लूज़ करके है थाईलैंड में बैंकॉक में। फिर मैं आ गई यहाँ पे बेटी के वहाँ पे रात का आपको दिखाने के लिए। दिन का तो आपको मैंने दिखाया हुआ है, ये रात का बता रही हूँ आपको कि रात को कैसे लाइटिंग वगैरह करी हुई है। दूसरा गेट है निकलने का, ये है लाइटिंग वगैरह अच्छी है, वॉचमैन। गाड़ी वगैरह जा रही है अंदर, लाइटिंग वगैरह है, ये वॉचमैन की केबिन। ये शावर बंद है, शावर चलते हैं दोनों तरफ, उधर भी इधर। ये जो पैदल चलते हैं उनके लिए रास्ता, कैब वगैरह जा रही है अंदर। देखो वहां से बाइक वगैरह जाती है, और यहाँ पे विजिटर पार्किंग होती है उस तरफ। देखो सब दूर सोसाइटी में ऐसे मंदिर मिलेंगे,
थम्सअप, कोको कोला, फ्रूट ये सब रखे हुए होते सोसाइटी के गेट पे। और यहाँ पर रेस्टोरेंट के इधर महाराजा की फोटो लगी रहती है हर जगह। ये थाई रेस्टोरेंट है शॉर्टकट, घूम के कौन आए। सोसाइटी में लाइटो कितनी मस्त लाइट है। ए कीर्ति, एक है ना से कोई नहीं चलना भाजी पर पड़े अच्छा नहीं तो एक पहले पहले ब्रेसलेट पहले वो भात लेती है नमकीन। चल चल ये मेरी ये कौन सा है सी सी ब्लॉक सी ब्लॉक इधर आज तो आज तो हम इतना घूम घूम फिर हम दूसरे दिन यहाँ पे टर्मिनल 21 करके मॉल खुला है नया, तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ पे भी अपन शाम को विजिट कर आते हैं, देखते हैं कुछ मिलता हो तो शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे भी आ गए थे देखने के लिए। ये बंद यहाँ पे सोने चांदी की दुकान है ना मॉलों में भी होती है, अपने वहाँ पे जैसा नहीं होता है कि अलग अलग दुकान भी होती है, वो भी कहीं होती है एरिया में, पर ज़्यादातर सोने चांदी की दुकान मॉल में भी होती है यहाँ पे। तो हम लोग एक सोने का ब्रेसलेट देख रहे थे, यहाँ पे वैसे सोना इंडिया के हिसाब से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 3-4 हज़ार रुपये जैसा सस्ता पड़ता है ना, मजूरी वहाँ यहाँ पे कम लगती है, अपने इंडिया में मजूरी बहुत लगती है, GST वगैरह सब मिला के ज़्यादा लगता है। तो हमने सोचा चलो यहाँ से, और यहाँ पे प्योर गोल्ड मिलता है 23 कैरेट का एकदम। तो हम लोग भी ब्रेसलेट ले रहे थे एक कि चलो ब्रेसलेट ले लेते हैं बेटी के लिए। फिर हम लोग बाहर का व्यू देखने के लिए आ गए, बहुत अच्छा व्यू था बाहर का। उस टाइम क्रिसमस मंथ चल रहा था तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो भी आपको ऐड कर देती हूँ। वैसे तो मेरे सारे वीडियो डिलीट हो गए पर मैंने कहा थोड़े बहुत बचे थे तो मैंने सोचा कि वो भी आपको दिखा देती हूँ इसका। तो उस टाइम क्रिसमस मंथ चल रहा था तो सब डेकोरेशन क्रिसमस के हिसाब से किया हुआ था। ये देखो टर्मिनल 21 लिखा हुआ है, नया मॉल है ये, और एक पुराना मॉल का मैंने शॉर्ट वीडियो में रखा हुआ है आपको थोड़ा सा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत फोटोएं खिंचवाई अलग अलग। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे यहाँ पे फोटो खिंचाने के, कहीं पे मतलब खड़े हो जाओ वो बोलते हैं ना स्टेज टाइप के होते हैं, वैसे अलग अलग अच्छे अच्छे पॉइंट थे मॉल में। तो हम लोगों ने अलग अलग जगह पॉइंट पे खड़े हो क्योंकि फोटो खिंचवाई। ये सब बाहर के नज़ारे हैं अलग अलग। चलो मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनल 21 मॉल कैसा है, अलग अलग मॉल जैसा भी मैं गई थी बताया आप लोगों को। अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए।